आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर। इस समय हम सलेमपुर गंगागंज गैस एजेंसी में हैं। ये एजेंसी जल्द ही खुली है। यहाँ हम बात करेंगे एजेंसी संचालिका से, क्या क्या समस्याएं हैं एजेंसी के संचालन में, और कमर्शियल सिलेंडर यहाँ मार्केट में कम जा रहे हैं। दबाव है कंपनियों के ओर से कमर्शियल सिलेंडर खपाने का, इनको लोड दिया जाता है हर महीने। तमाम यहाँ पे दुकानदार 19 केजी वाले कमर्शियल सिलेंडर न लेके घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे राजस्व का घाटा हो रहा है। देखते हैं कि कब एडीएम आपूर्ति और जिला पूर्ति अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और यहाँ कार्रवाई करते हैं। जी मैडम बताए, कब से? सबसे पहले मैं शार्क मीडिया न्यूज को नमस्कार करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आपने बताया कि 19 केजी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर रहा है, हम लोग काफी पहले से जो है इस पे जो है बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। हमारे सेल्स ऑफिसर, हमारे जो है सलेमपुर भारत गैस में एक्चुअली हर लोग के साथ 6 सिलेंडर भेजा जा रहा है, और वो 6-6 सिलेंडर कर करके जो है अगर मंथ का देखा जाए तो बहुत मात्रा में हमारे पास हो जाते हैं। वो सिलेंडर एक्चुअली हमें बेचना भी होता है, क्योंकि गाड़ी आती है जब 6 सिलेंडर की, तो हमें खाली भी बेचना होता है। जब हमारे पास 6 हम बेच नहीं पाएंगे तो खाली सिलेंडर हमारे पास कहाँ से होंगे, और हमें बेचना भी होता है। अगर हम खाली सिलेंडर उसको घाटे पे नहीं बेचेंगे तो खाली सिलेंडर नहीं हो पाएंगे, खाली सिलेंडर नहीं हो पाएंगे तो लोड आएगा, उसके साथ हम बेचेंगे नहीं, और खाली होने का मतलब हम उसको घाटे पे बेचेंगे। घाटे पे बेचना पड़ता है, बहुत ज्यादा घाटे पे बेचना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम जो है 19 केजी कमर्शियल का रेट 1432 रूपए है। उसका रेट जो है कैश मेमो जो है 1432 रूपए का है, और हमारे यहाँ ये 1150 का भी लेने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं करता है कि 1150 या 1100 में ले ले, इतना घाटे पर बेच रहे हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ उपभोक्ता क्या घरेलू सिलेंडर अपना दे देते हैं व्यवसायिक इस्तेमाल में? बिल्कुल बिल्कुल, यही समस्या है। समस्या तो यही है कि जो है व्यवसायिक सिलेंडर अगर यूज ना हो तो होटल वाले, जाहिर सी बात है, वो अपना सिलेंडर 19 केजी यूज करेंगे। तो इसपे जो है ध्यान देना है कि जो डोमेस्टिक बना है घरेलू, मतलब घर में यूज हो, ना कि होटल में व्यापारिक मामले में यूज हो। अपने नाम से ऑनलाइन बुकिंग करा के, अब हमारी एजेंसी में जैसे कोई कंज्यूमर आएगा हम तो उसको पर्ची देंगे, अब वो लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे तो घूम नहीं पाएंगे। सिलेंडर लेके जा रहा है, अपने घर में यूज कर रहा है कि भंडारण यूज कर रहा है कि होटल रेस्टोरेंट, कहाँ दे रहा है, वो तो कस्टमर जो है बेच रहा है ना। और जैसे कि होटल वाले भी हैं तो हम उसके चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि मैं होटल वाला हूँ। अगर वो कस्टमर कनेक्शन के लिए आएगा तो मैं उसका कनेक्शन करूंगी, और वो ले जाके अपने होटल पे यूज कर रहा है, तो होटल पे जैसे ये लड़का हुआ, फिर अपने बहन के नाम कनेक्शन ले लिया डोमेस्टिक का, अपने भाई के नाम ले लिया, अरे ये मान के चलिए एक घर में 4-5 कॉपी उसने बनवा दी, वो सब पे ले जाएगा, डोमेस्टिक यूज करेगा। और रही कमर्शियल की बात, तो कमर्शियल ये यूज नहीं कर रहे हैं होटल वाले। अगर कमर्शियल यूज करें, बिल्कुल एकदम पाबंदी हो जाए होटल पे कि 14.2 केजी सिलेंडर होटल वाले यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपूर्ति विभाग में या भारत गैस के ऑफिसर से आप लोग बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं, अभी आपूर्ति विभाग से हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सेल्स ऑफिसर से बात होती है। ये तो जिम्मेदारी उनकी है कि वो होटल पे अपना जो है छापा मरवाए, और उनको कमर्शियल कनेक्शन के लिए बोले, हर होटल पे जाए उससे होटल मालिक होटल संचालक से कहें कि आप अपना कार्ड दिखाइए कमर्शियल का, आप कहाँ यूज कर रहे हैं, आप तो डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, उस पे पाबंदी होनी चाहिए। ऑटोमेटिक सिलेंडर हमारा कमर्शियल फुल रेट पे जाने लगेगा, समझ रहे हैं आप? ये सबसे बड़ी समस्या जी है। जी बहुत बड़ी समस्या है। शार्क मीडिया से बात करेंगे। जी 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 थैंक यू थैंक यू।